हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे सीखेंगे वर्ड पैड। वर्ड पैड होता क्या है, और कंप्लीट वर्ड पैड सीखेंगे। वर्ड पैड का सबसे पहले यूज़ क्या होता है, किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो वर्ड पैड है, वर्ड पैड हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है हमारे पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ड पैड इज अ टेक्स्ट राइटिंग प्रोग्राम यू कैन यूज़ टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट अन लाइक नोट पैड। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट कैन इंक्लूड रिच फॉर्मेटिंग एंड ग्राफिक, एंड यू कैन लिंक टू और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट सच एज ए पिक्चर और अदर डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर आप सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ग्राफिक्स, ग्राफिक इन द सेंस पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करा सकते हो, ग्राफिक बना नहीं सकते आप इसके अंदर। और इसके अंदर कोई भी फाइल को आप लिंक करा सकते हो एज ए ऑब्जेक्ट, एक तरीके से वो पिक्चर डॉक्यूमेंट के तौर पे ही वो अप्लाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड है क्लिपबोर्ड के अंदर, कट कॉपी पेस्ट। क्या यूज़ होता है कट कॉपी पेस्ट का? कट का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कट पे क्लिक करोगे वो कट हो जाएगा। कट का मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली कट हो गया आपका, कट का मतलब ये है कि वो हमने वहाँ से रिमूव करें, मुझे दूसरे प्लेस पे चाहिए, दूसरी जगह पे चाहिए, जैसे मेरे को ये नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए मेरे को। तो पेस्ट में जाएंगे तो ऑप्शन होगा हमारे पास पेस्ट, आ गया। मैं उसको वापस वहाँ चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड शॉर्टकटली हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कमांड आते हैं हमारे पास कॉपी। कॉपी का काम होता है किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, देखते हैं डुप्लीकेट क्रिएट करना, मेरे को यही चीज़ कॉपी करके नीचे लगाना है, तो कॉपी पे क्लिक। कॉपी का मतलब ये है कॉपी हो चुका है, वो पेस्ट जब होगा जब हम उसे यूज़ करेंगे, जब तक पेस्ट नहीं करो जब तक आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इसी तरीके से पेस्ट में और भी काफ़ी सारी कमांड्स हैं हमारे पास। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का काम क्या है हमारे पास, सबसे पहले आता है वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। वर्ड पैड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा वर्ड पैड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो एक इमेज की तरह से इंसर्ट हो जाएगा, एक इमेज बन गई, उसमें एडिट नहीं कर सकते। सेकेंड आता है वर्ड पैड। अब ये पेस्ट स्पेशल जो है हमारे पास एक तरीके से इंसर्ट का पार्ट है, तो इंसर्ट का पार्ट में फर्स्ट हमने वर्ड पैड डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करा, तो उसने क्या काम करा, उसको एक इंसर्ट करा दिया विदाउट एडिटिंग फॉर्मेटिंग है, एक तरीके से पिक्चर की फॉर्मेट में कह सकते हो आप। फिर आता है पिक्चर मैट फाइल, ये पिक्चर की फाइल में दिखाएगा पिक्चर किस तरीके की आएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, RTF फॉर्मेट होती है उसकी। रिच टेक्स्ट का मतलब है कि सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग नोटपैड के फॉर्मेट में दिखाएगा। फिर आता है हमारे पास के अंदर पेज स्पेशल में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग कॉपी की हुई है मैंने वो फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट नहीं होगी, सिंपल टेक्स्ट में टाइप होगा वो विदाउट फॉर्मेटिंग। देखो कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई इनमें, देखो फॉर्मेटिंग आ रही है, इसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं आ रही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का यूज़ आपको पता ही है, किसी भी टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज इसको हम फॉन्ट फैमिली बोलते हैं। आपको राइटिंग चेंज करनी है, आप सेलेक्ट करो जितने एरिया को करोगे वहाँ से आप राइटिंग को चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स हैं आप यूज़ कर सकते हो। कॉमनली हमारी 4 से 5 राइटिंग ऐसी होती है जिनका हम यूज़ हर प्लेस में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, आपका एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, टाइम्स रोमन, कैलेबरी, बाकी अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है साइज़। साइज़ की एक लिमिट होती है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 72। ठीक है, आप यहाँ से जो मर्जी वो साइज़ अरेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट इसका काम भी साइज़ को इंक्रीज करना है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है जो 72 को क्रॉस कर चुकी है, मैक्सिमम साइज़ होती है इसकी 1638। इससे ज़्यादा बड़ी आप साइज़ यहाँ पे इसकी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रिंक फॉन्ट, ये साइज़ को छोटा करने के लिए। मिनिमम साइज़ आप 1 कर सकते हो, 1 से ज़्यादा छोटा आप नहीं कर सकते। जीरोक्स वगैरह, जीरोक्स में भी ये नहीं दिखेगी आपको। उसके बाद आता है हमारे पास बोल्ड। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाए उसको हाईलाइटिंग करना, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया बी, वर्ड्स बोल्ड, डार्क हो जाएगा थोड़ा,
इटैलिक वर्ड्स को स्टाइल में लिखना हो, तिरछे में लिखना हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अंडरलाइन या टॉप की हेडिंग्स वगैरह को अंडरलाइनिंग करना चाहते हो। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है, आपके पास जो भी आप वर्ड लिखते हो, मान लो ये गलत वर्ड है, गलत टाइप हो गया, आप इसे काटना नहीं चाहते, सिर्फ क्रॉस का साइन अप्लाई कर सकते। वर्ड मिस्टेक होती है, ऐसे नोटबुक वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सब स्क्रिप्ट। स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा H2O, H2O पढ़ते हैं हम। H2O में टू हमारा नीचे की तरफ स्क्वायर में होता है, सेलेक्ट सब स्क्रिप्ट। TH हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। मैं आपको चार शॉर्टकट लिख के दे देता हूँ। एक होता है आपके पास ग्रो फॉन्ट, जो मैंने अभी बताया आपको, एक होता है आपके पास रिंग फॉन्ट, एक होता है आपके पास सब स्क्रिप्ट, एक होता है आपके पास सुपर स्क्रिप्ट। मैं इन सब के शॉर्टकट्स आपको लिख के दे रहा हूँ, इनके शॉर्टकट्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट्स के ऊपर भी बना के दूंगा। ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन। सब स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस, कंफ्यूजन है एक बार मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, आप उसको इक्वली बोल सकते हो या प्लस का साइन भी बोल सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 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 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा शिफ्ट बटन यूज़ हो रहा है, जब शिफ्ट यूज़ होता है तो इक्वल का साइन नहीं रहता हमारा, वो प्लस का साइन बन जाता है। तो ये मैंने कुछ शॉर्टकट्स दे दिए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, अगर हम बुक्स वगैरह रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइटिंग कर देते हैं इस तरीके से। जिस वर्ड को सिलेक्ट करोगे उसी वर्ड में आप हाईलाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट कलर। अब सिंपल हम तो लिख के प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं फिर टेक्स्ट के अंदर कलर अप्लाई कर देते हैं। सेलेक्ट किया, जैसे मेरे को हेडिंग में कलर देना है, साइज बड़ी कर दो, इसके अंदर कलर करना है सेलेक्ट, बोल्ड कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप नॉर्मली घर पे बैठ करके यूज़ कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो, टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग स्टाइल सीख सकते हो। अब आते हैं हमारे पास पैराग्राफ। क्या होता है हमारे पास पैराग्राफ? फर्स्ट आता है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इनका जो मेन पर्पस होता है, सिर्फ रूलर के बेस पे हमारे काम करते हैं। ऐसे हम कुछ लिखते हैं, माय नेम इज रवीन कुमार, आई लिव इन दिल्ली। तो हमारा जो यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग रूलर के बेस पे स्टार्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ स्टार्ट हो, आगे से स्टार्ट हो, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। ये हमेशा राइट साइड की तरफ भागते हैं, सिर्फ कितना 0.5, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। इंक्रीज, डिक्रीज का काम होता है लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट में लेके आना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्लड लिस्ट। हम कोई लिस्टिंग तैयार करना चाहते हैं, सीवी वगैरह तैयार करते हैं, तो सीवी वगैरह तैयार करने में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग का यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे क्रिकेट, रीडिंग बुक, वॉचिंग मूवी, टेनिस, फुटबॉल। अब हमने इनको बिल्कुल सिंपल लिखा, तो आप यहाँ से इसको लिस्टिंग में लगा सकते हो, ब्लड लिस्ट बोलते हैं जिसको हम। यहाँ से नंबरिंग में स्मॉल अल्फ़ाबेट रोमन नंबर, कैपिटल अल्फ़ाबेट स्मॉल अल्फ़ाबेट कैपिटल रोमन नंबर,
यह आता है लाइन स्पेस, जिसको बोलते हैं लाइनों के बीच में डिस्टेंस को कम करना। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है इनमें गैपिंग ज़्यादा शो कर रहा है। यहाँ पे गए, यहाँ से फर्स्ट एट एंड फिर स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और भी डिस्टेंस कम करना है। यहाँ पे गए, यहाँ से अभी लिस्ट वापस शो कर रहा है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नन कर दो, या टू टाइम एंटर प्रेस करोगे तो भी वो रिमूव हो जाएगा। ये अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास, जैसे अभी मैंने वर्ड पैड ट्यूटोरियल, मेरा बिल्कुल सेंटर में है पेज के, लेफ्ट में करना है, सेंटर राइट। जस्टिफाई का क्या यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट फाइल अगर आप सबमिट करते हो। जस्टिफाई काम होता है लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल करना, जैसे मैंने यहाँ से इसको इक्वल करा, तो यहाँ से देखो ये जो चीज़ है बिल्कुल इक्वल हो गई। अगर जस्टिफाई नहीं करते तो सिर्फ लेफ्ट इक्वल होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है हमारा, और ये हमारे राइट साइड का इक्वल नहीं होता। जस्टिफाई काम होता है दोनों को इक्वल करना। अब आते हैं पैराग्राफ सेटिंग, किस तरीके से हम पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे गए, अब मैंने बोला ये मुझे लेफ्ट 0.5 से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे ही टाइप करा पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसमें एंटर नहीं है, पूरा पैराग्राफ है, इसलिए पूरा का पूरा एक साथ मूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप राइट कर सकते हो। अब आप चाहते हो फर्स्ट लाइन, सिर्फ मुझे फर्स्ट लाइन को करना है, सिर्फ फर्स्ट लाइन को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास टैब। अब यहाँ पे आप टैब बटन भी फिक्स कर सकते हो, जब भी आप लिखो तो टैब बटन टॉप की, सॉरी टैब स्टॉप पोजिशन कहाँ पे आपके ख़त्म होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0.5 सेट, देन ओके। जब भी स्टार्ट होगा तो हमेशा यहाँ से ही यूज होगा, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देन ओके। अब आते हैं हमारे पास कुछ इंसर्ट, इसी पेज पे कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट करना है, तो सिर्फ एडिटिंग का काम है। डॉक्यूमेंट टाइप करके आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। पिक्चर का काम होता है, पेज पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हो आप, यहाँ पे गए पिक्चर, मैंने यहाँ से पिक्चर ली कोई भी एक, देन ओपन, पिक्चर पेज पे आ गई। मुझे पिक्चर छोटी करनी है, पिक्चर में ऑप्शन होता है रिसाइज, आप यहाँ से साइज कम कर सकते हो, या फिर पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ से भी आप अरेंजमेंट कर सकते हो, पिक्चर जितनी छोटी बड़ी करनी है, जैसे अरेंज करना है आपको। पिक्चर के ही आगे मुझे एक और पिक्चर चाहिए, मैंने एक और पिक्चर ले लिया, साइज छोटे करने से इसको उठा कर यहाँ रख दिया। ठीक है, फिर आता है पेंट ड्राइंग, इसी में और भी ऑप्शन था चेंज पिक्चर। चेंज का मतलब है कि जो पिक्चर सेलेक्ट है इसी की जगह मैं दूसरी पिक्चर को प्लेस कर सकता हूँ, सेम साइज सेम कलर। नेक्स्ट आता है पेंट ड्राइंग, पेंट के अंदर हम जाएं और वहाँ से कुछ ड्राइंग बनाएं। पेंट में गए, ये पेंट पेज खुल के आ जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो और वो ड्राइंग आपके पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, छोटी सी मैंने ड्राइंग बनाई, मैं यहाँ पे एक ट्री बना देता हूँ, इस ट्री को मुझे इंसर्ट कराना है अपने पेज पे। ये जो फालतू एरिया दिख रहा है उसको मिटा दो आराम से, यहाँ से क्लोज कर देना पेज, ये जो ड्राइंग है आपकी पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से साइज अरेंज कर सकते हो, यहीं पे जाओ, ये पिक्चर का पार्ट है, पेंट का पार्ट है, इसलिए यहाँ से आप पिक्चर के अकॉर्डिंग आप सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। डेट एंड टाइम, अब आप चाहते हो जिस डेट में जिस टाइम पे आप काम करते हो डेट और टाइम भी मैं पेज के नीचे इंसर्ट कर सकूँ। यहाँ पे लिखने को तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट ओके, आज की डेट दिखा रहा है, किस टाइम पे काम कर रहा है वो टाइम भी शो करेगा आपको। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इसका यूज होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, अगर मुझे कोई फाइल लेके आना हो तो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उसे इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो आप इसका यूज़ मत करना। बेसिकली हम इसके अंदर जो यूज़ करते हैं
छोटा अगर मुझे टेबल तैयार करना हो तो यहाँ पे एक्सेल बाइनरी वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इससे हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन होगी और यहाँ पे हम छोटा सा एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर रहे हैं। मैंने यहाँ डाटा को कुछ कॉपी पेस्ट भी मार दिया है। अब आप देख रहे होंगे जो मैं डाटा टाइप कर रहा हूँ वो डाटा मेरे पेज पे इंसर्ट हो रहा है। इस तरीके से आप डाटा टाइप करोगे। अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल करना है तो यहाँ पे जाना, ये सिग्मा का साइन है, यहाँ पे जाके सम एंटर और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना, सबका आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ से क्लोज, आपकी टेबल बन के तैयार। अभी ऊपर आ गई है तो मैंने मूव करके नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फाइंड फाइंड रिप्लेस, ध्यान रखना जो फाइंड रिप्लेस यूज होगा आपका, ये जो मैंने टेबल डाटा अलग से इंसर्ट करा है इस पर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ जो पेज पे मैंने करंट टाइप किया था सिर्फ उस पर ही यूज़ कर सकते हो। फाइंड पे गए, मैंने यहाँ फाइंड करा वर्ड पैड, कहाँ लिखा हुआ है इसने सर्च करके बता दिया वर्ड पैड। अब मैंने करा पूरे डॉक्यूमेंट में वर्ड पैड कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा यहाँ पे तो बता रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। अब इसने क्या करा, अंदर के पार्ट को भी सिलेक्ट करा, तो मैच केस कर देंगे हम यहाँ पे, मैच ऑल केस। अरे इसको कैंसिल करते हैं, फाइंड पे गए दी, मैच ऑल वर्ड ओनली, तो सिर्फ जो लिखा होगा सिर्फ उसी को फाइंड करेगा, अदरवाइज फाइंड नहीं करेगा। रिप्लेस चेंज करना, दवा कीजिएगा मुझे करना है ऑफ। रिप्लेस करेंगे वन बाय वन करना पड़ेगा, रिप्लेस ऑल करेंगे सारा एक साथ मूव हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, पूरे पेज को सेलेक्ट करना, शॉर्टकट की आपको पता है कंट्रोल प्लस ए होती है, ये आपकी पूरी की पूरी होम टैब है। अब नेक्स्ट आते हैं व्यू टैब पे, जूम इन, पेज को जूम करना, छोटे में नहीं दिख रहा आपको, बड़ा करके आप देख सकते हो। इसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 500, 500 से ज़्यादा आप साइज़ बड़ी नहीं कर सकते, जूम नहीं कर सकते। जूम आउट, मिनिमम साइज़ आपकी होती है 10, 10 से ज़्यादा छोटी आप नहीं कर सकते। एक्चुअल साइज़ रखना हो 100% बोलते हैं, नॉर्मल साइज़ पेज का। ये कुछ हमारे पास शो और हाइड है, पेज के ऊपर जो टॉप में शो करा है इसको रूलर बोलते हैं, क्लिक करोगे हाइड हो जाएगा। स्टेटस बार जहाँ प्लस माइनस का साइन शो कर रहा है, क्लिक करोगे आप हट जाएगा। वर्ड रैप, इसमें तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास वर्ड रैप के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास नो रैप। नो रैप का मतलब ये होता है कि जब भी मैं कुछ पैराग्राफ टाइप करूँगा वो जब तक नीचे नहीं आएगा जब तक हम एंटर बटन का यूज़ नहीं करेंगे। मैं पहले क्लिक कर लेता हूँ, मैं कोई पैराग्राफ टाइप कर रहा हूँ जब तक नीचे नहीं आएगा जब तक मैं उसमें एंटर का यूज़ नहीं करूँगा, नो रैप का मतलब ये है। सेकेंड कमांड आती है रैप टू विंडो, इसका मतलब है जितनी आपकी स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन है उतने में ही शो करेगा, टाइप करेगा, उसके बाद वो टाइप ऑटोमेटिकली वो नीचे ही शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रैप टू रूलर, रैप टू रूलर का मतलब जितना आप रूलर है उसके बेस पर टाइप होगा, बाकी ऑटोमेटिकली सारा का सारा आपका पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। ये तीन कमांड होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेजरमेंट, ये मेजरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने रूलर को किसके अकॉर्डिंग सेट करते हो, इंचेस, सेंटीमीटर, पॉइंट, पीसेस। मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं इन चीज़ में यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम वर्ड पैड बटन, जिसके अंदर हमारे पास ये शॉर्टकट कीज़ हैं, मैं इनको लिख के भी दूंगा आपको। फर्स्ट आता है न्यू, न्यू का मतलब है कि मेरे को एक नया पेज चाहिए, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इस बटन पर जाना, न्यू पे क्लिक करोगे तो पहले आपसे पूछेगा कि आपने जो पहले फाइल बनाई है उसको सेव करना है या फिर डोंट सेव। जैसे आप डोंट सेव करोगे आपकी फ़ाइल हट जाएगी और आपके पास एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आ जाएगा। कैंसिल का मतलब है कि आप इस पेज को काट नहीं सकते, नॉर्मल हो जाएगा। ओपन, जो फाइल सेव है आपकी उसको आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे। सेव, ओपन में जाना है, यहाँ पे टाइप करना जो भी फाइल खोलनी है और ओपन पे क्लिक।
यहाँ पे गए सेव, सेव करने के लिए आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। सेव एज का काम होता है जो मैंने फाइल सेव कर रखा है उसका नाम और लोकेशन चेंज कर सकते हो। एक तरीके से आप काफ़ी सारे डुप्लीकेट फाइल्स बना सकते हो। प्रिंट ऑप्शंस है, प्रिंट में हमारे पास काफ़ी सारे। फर्स्ट आता है प्रिंट निकालने के लिए क्विक प्रिंट, और आता है प्रिंट प्रीव्यू। निकालने से पहले अपने पेज की सेटिंग को चेक कर लेना, पेज सेटअप, पेज को सेट करना। ईमेल आप यहाँ से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। अबाउट वर्डपैड इंटरनेट के थ्रू आप सर्च कर सकते हो वर्डपैड होता क्या आपका। उसके बाद आता है आपके पास एग्जिट। एग्जिट का काम होता है प्रोग्राम को बंद करना, क्लोज करना। ये आपका पूरा का पूरा वर्डपैड कंप्लीट होता है। ये कुछ आपके बेसिक्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको वर्डपैड के अंदर बताई हैं। इसका एडवांस वर्जन होता है आपका एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड, जो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा आपका एमएस वर्ड, जिसमें आपको मैं वर्डपैड और एमएस वर्ड में डिफरेंस भी बताऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इसे ध्यान से देखें और सुनें, और मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।